बॉलिंग एक्शन एनालिसिस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज प्राइम फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड। सो जॉश हैज अ साइड ऑन एक्शन एंड कंपेयर टू अदर फास्ट बॉलर्स ही इज वेरी क्विक फ्रॉम हिज बैकफुट। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो दैट ही इज नॉट स्पेंडिंग मच मोर टाइम ऑन हिज बैकफुट एंड इमीडिएटली ट्रांसफर हिज बॉडी वेट फ्रॉम हिज बैकफुट टू फ्रंट फुट। And in this video, I will tell you about the major points in his bowling action, that how he can bowl maximum deliveries with his full accuracy. So number one, non-bowling arm. At the time of releasing the ball, Josh अपने non-bowling arm को एक maximum height तक लेकर जाते हैं and full power से नीचे की ओर stretch करते हैं, जो कि combine होता है उनके delayed bowling arm से एक quick and massive delivery produce करने के लिए. And number second, head position. अब जॉश की बॉलिंग में उनकी जो हेड पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहती है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को इजीली वॉच करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। एंड दिस इज द रीज़न क्यों जॉश की मैक्सिमम डिलीवरीज एक ही स्पॉट पर हिट होती हैं। एंड वन एडिशनल पॉइंट इज रन अप। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेक श्योर करो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में मुझे बताओ कि अगला बॉलिंग एक्शन एनालिसिस आपको किस बॉलर के ऊपर चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।